असला आई होप आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे आज मैं बात करूंगी बहस यानी आर्गुमेंट पर आ, बहस ऐसी चीज है जो कि नॉर्मली डेली रूटीन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर हो जाती है और दैट्स अ नेचुरल थिंग बात कभी कभी कुछ ऐसे बहस मुबाइसों में भी हम इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जिनके बाद वी uh, रिपेंट हम बहुत पछताते हैं कि क्यों वी गॉट इन टू दैट आर्ग्यूमेंट हमें उस बहस में हिस, का हिस्सा ही नहीं बनना चाहिए था ये पता होना चाहिए हमें कि हम जिस इंसान के साथ बहस करने लगे हैं उसका कैलिबर उसका एनवायरनमेंट, उसका ब्रॉटअप क्या है और उसकी सोच कितनी महदूद है क्योंकि हर इंसान अपने एक महदूद सोच और महदूद तजर्बे और अपने एनवायरनमेंट और अपने ब्रॉटअप और अपने सीखी हुई जो जो चीज़ें होती हैं उसके मुताबिक उसका जो जहनी इस्ताद है वो डिवेलप होता है सो बिफोर गेटिंग इन्वाल्व इन टू एनी आर्ग्यूमेंट विध विद एनी वन पहली बात तो आपको ये मालूम होनी चाहिए कि मैं जिसके साथ बहस करने लगा हूँ ये करने लगी हूँ क्या वो इस काबिल है कि मैं उसके साथ बहस कर सकूं क्योंकि होता क्या है कि द पर्सन दैट यू आर आर्ग्यूइंग विद उसका वो ही नहीं है कि वो आपकी बात को समझ उसकी उतनी लर्निंग नहीं है उसका उतना एक्सपोजर नहीं है तो वो कैसे आपके साथ उस लेवल की बहस जो है वो कर सकता है तो वो फिर एक इंसान जिसकी सोच महदूद होगी लिमिटेड होगी कंजर्वेटिव होगी या बहुत नैरो माइंडेड होगा या चीजों को बहुत नैरोली ऑब्जर्व करता होगा या करती होगी उसकी नैरो माइंडेडनेस उसकी कंजर्वेटिव अप्रोच विल ड्रैग यू डाउन टू दोएस्ट इन दैटूमेंट बेवकूफ और जाहिर लोगों से बहस करना बिल्कुल ऐसी है कि कोई इंसान कीचड़ में खड़ा हो और वो एक अच्छे और शरीफ इंसान को बहसो मुबास के जरिए उसकी में धकेलना चाहता हो यानी उसको भी अपने लेवल पर लेकर आना चाहता हो कि जैसा मैं हूँ तुम भी वैसे हो जाओ तो आप बजाय कीचड़ में गिरने के अपने आप को गंदा करने के उसकीचड़ में जम्प लगा कर उसके साथ बहस में इन्वॉल्व के बजाय अपने आप को बचा के चलो आपको पहले सेंटेंस में ही उस इंसान का कैलेबर पता चल जाए तो जैसे आपको ये पता चल जाए कि ये गलत इंसान के साथ बहस में आप में आप इन्वॉल्व हो गए हैं स्टॉप राइट देयर वहीं पर खामोश हो जाए चुप हो जाए उस इंसान को खुश होने का मौका दे दें कि भई हाँ जी आप ठीक कह रहे हैं उसके साथ बहस में इन्वॉल्व मत हो क्योंकि उसने आपको एक लोएस्ट पोजीशन पर लेकर आना है अपने जैसा कर देना है और आपको बहस में जीतने का मौका क्योंकि उन लोगों के लिए बहस में जीतना उनके लिए तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वाह वाह हमने तो बहस की और उस इंसान को हमने चारों चित कर दिया वो है ना एक कहानी गधे और चीते की जिसमें गधा कहता है कि घास जो है, नीली है वास वास था था वो नीली है चीता नहीं मानता बिकॉज चीता वॉज हैविंग दैट सेंस कि घास तो नीली हो ही नहीं सकती घास हमेशा सब्स होती है बहस पढ़ते 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 क्योंकि गधा मुसलसल इस बात पर इार करता है कि नहीं घास नीली है नीली है वो पहुंचते हैं जंगल के बादशाह के जंगल का बादशाह शेर दोनों की बात सुनता है और बात सुनकर ये फैसला करता है कि गधा ठीक कह रहा है और चीता गलत है गधा तो अपनी खुशी और अपनी जीत का जश्न मटाते हुए खुशी खुशी भाग कर कलाबाजियाँ खाते हुए भाग जाता है तो चीता बहुत हैरान होता है और वो शेर से पूछता है कि आपको भी मालूम कि घास साफ़ होती है उसके बावजूद आपने ऐसा फैसला क्यों किया तो उसने कहा कि मैंने तुम्हें उस अहमक से बहस में उलझने की सजा दी तुम्हें मालूम है कि वो वो नहीं मानेगा और फिर भी उसके बावजूद तुमने उसके साथ बहस जारी रखी क्योंकि उसे तो नहीं माना था तो इसलिए मैंने सजा देने के तौर पर तुम्हें गलत कहा और उसको सही किया अब वो खुश है और अपनी मस्ती में गुम है और तुम इस बात को समझो कि कभी किसी बेवकूफ़ इनके साथ बहस में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो हम इंसानों को भी चाहिए कि किसी भी बहस में इन्वॉल्व होने से पहले हमें यह पता हो कि क्या हमारी बहस सी लड़ाई पर ख़त्म तो नहीं होगी किसी झगड़े पर ख़त्म तो नहीं होगी इससे बचने का बेहतरीन तरीका यह है कि बहस में इन्वॉल्व ना हुआ जाए खामोशी इख्तियार कर ली जाए और अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को अपनी मेंटल पीस को ऊपर रखा जाए अपनी मेंटल स्टेबिलिटी का सोच लिया जाए जहनी सकून का सोच लिया जाए